सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि 2019 का प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, क्या तरीका होना चाहिए यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, मेरी वीडियो आप पूरी देखना। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से इतना फायदा होगा, आप जिंदगी भर उस बात को याद करोगे। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। खैर शुरू करते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हाउ टू क्लियर IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 जून 2019, 2 जून 2019 को जो पेपर होने वाला है उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आप बहुत आसानी से क्लियर होगा IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि UPSC इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो अभी तक आपने यही सुना ऑनलाइन नेट पर भी कि UPSC एग्जाम इज नॉट, या UPSC एग्जाम इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। लेकिन हमारा जो कहने का मतलब है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं UPSC के जो पेपर है या UPSC किस तरीके से जो है आपका पेपर सेट करती है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ और आप लोग एग्री करोगे या आप इसको मना नहीं कर सकते हो। तो UPSC प्लेज विद द माइंड विद साइकोलॉजिकल डिजाइनिंग ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन तो आप समझते हो ना, जो क्वेश्चन होता है उसके चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, जो उनके ऑप्शन आते हैं सामने, तो आपके दिमाग से खेलता है UPSC, ठीक है। कि एक सिलेबस उसने दिया हुआ है और उस सिलेबस से ही आपने पढ़ा है और आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने 5 लाख रुपए दिल्ली में खर्च कर दिए कोचिंग पर, बेस्ट कोचिंग में आप गए, ठीक है। आप दिन रात नेट पर भी लगे रहे, इंटरनेट का भी आपने बहुत यूज किया, आपने 18 घंटे भी पढ़ाई की। मैं कहता हूं अगर इतना कोई करता है तो उसका तो 100% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद, बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, ऑनलाइन 18 घंटे, तो 100% आना चाहिए। लेकिन आपको आप इस सच्चाई को आप जानते हो कि आप कितना भी पढ़ लो, आपके 55% अगर आ जाए, वो भी लाने बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। अगर मैं मुखर्जी नगर की बात करूँ दिल्ली के अंदर, या दूसरे जो अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर बच्चे 1-1.5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत पैसा लगाया, लेकिन फिर भी 50, वो ये कहते हैं भगवान 55% करा दे, प्रिलिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मेरी यहाँ प्रूफ होती है, ठीक है। मैंने अपने आप को साबित किया, अगर वो आपके दिमाग से नहीं खेलता है, अगर वो ऑप्शन से आपके नहीं खेलता है, तो आपके 55% ही मार्क्स क्यों लाने मुश्किल हो जाते हैं, जबकि उसने सिलेबस बता रखा है, ठीक है। और हाँ, इसमें आगे तो द पेपर आस्क्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस मेड द क्वेश्चंस मोर ट्रिकी। तो ये बात हमने अभी किया कि जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ट्रिकी बना देते हैं। तो अब ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, तो मैं इससे निकलने का रास्ता भी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, मैं 20 से ज्यादा बुक्स लिख चुका हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो और मैंने खुद 4 बार जो है, 4 बार मैंने मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया, लेकिन वो सब बाकी बातें बाद में। तो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। तो ओनली ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प, मैंने ये रिजल्ट निकाला कि ओनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प। बस ये एक लाइन है जो आपने याद रखनी है, अगर आपने ये लाइन पकड़ ली, अगर आप इस बात को समझ गए, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ आपका प्रीलिम्स इसी साल होगा। चाहे आपके पास 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन बचे हैं, कोई जरूरी नहीं है आपने पूरे साल पढ़ना है, 1 साल की पढ़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल होगा, बस आप ये लाइन याद रखना, ओनली ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में बताता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आने हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.66 है। और अभी तक जो है हमने देखा तो 105 या 110, ऑलमोस्ट 55% अगर मार्क्स आपके 200 में से आ जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाता है। इस बात को भी आप नकारोगे नहीं, ठीक है। दोनों दो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब तीसरी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बात मैं कर चुका हूँ अभी कट ऑफ की। हाँ, तीसरी बात ये थी कि ओनली ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प, यही बात मैंने अभी बताई थी आपको।
एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? आपका सवाल यह है कि सर आपने कई बार तो बोल दिया कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी, तो ये क्या मतलब है? तो मैं बता दूं, अभी मैं पीछे बात कर रहा था 2017 की और 2018 की, मेरे अपने स्टूडेंट्स, मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये जो तीन है चीजें, इस पर आप अच्छे से फोकस कर लो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब यह है कि अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री को ऑप्शनल की तरह पढ़ो, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो जैसे आप लक्ष्मी, कोई भी अलग अलग राइटर्स हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ने जा रहे हो तो वो भी कंप्लीटनेस कंप्लीट तरीके से पढ़ो, मतलब एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हम एक चीज बहुत ही दम लगा के पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो वो भी आप ऐसे पढ़ो जिसमें जो है ना कि कुछ पूछ लो भाई ये तो हमने पढ़ सकते हैं। मैंने असल में सलाह इसलिए दी थी, मेरी बात आप पूरी सुन लेना, ज्यादा वक्त नहीं लेने जा रहा हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो मैंने इसलिए ये कहा कि अगर मान लो हम हिस्ट्री और कल्चर की बात करें, मैंने एक एक ही साथ लेकर चलता हूँ, तो इसमें क्या है ना, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हदें हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, हदें हैं, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी भी लिमिटेशंस और हदें हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट फिक्सा रहता है, कोई एक आध आर्टिकल आ जाए, एक आध कोई अमेंडमेंट आ जाए, वो तो सभी को पता होता है, गली गांव में किसी भी बिल्कुल ही दूर दराज इलाके में कोई बच्चा बैठा है उसको भी पता चल जाता है। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, इसकी भी हदें हैं, ठीक है, कुछ बदलता नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या ना, चीजें स्टैटिक जैसी रुकी हुई हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। अगर हम इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं जीएस वाले पेपर को, आधा पेपर आपका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हम करते क्या है, हम करंट अफेयर्स पर जाते हैं। जो हाँ मैं बात बता रहा था 2017-18 की, तो मेरे अपने स्टूडेंट्स ही जो मेरी क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने ये कहते थे कि सर कैसी बात करते हो आप, यूपीएससी में तो करंट अफेयर्स आता है, हिंदू पेपर पढ़ना पड़ता है, ऑनलाइन ये वेबसाइट है, मैंने यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की है, मैंने उस वेबसाइट से भी पीडीएफ डाउनलोड की। यार मैंने 2017 में भी देखा, 18 में भी देखा, उनमें से किसी का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप दिन रात करंट अफेयर्स पढ़ते रहे तो प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? भाई अगर आप करंट अफेयर्स से ही आपका प्रीलिम्स होना था, देखो मैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेंस की मैंने अभी कोई बात नहीं है, मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपने मिक्स नहीं करनी है मेरी बात, ठीक है ना। प्रीलिम्स निकालने का अलग तरीका है, मेंस के लिए अलग तरीका होता है, तो मेंस की मैं अलग से फिर उससे बात करूंगा कभी किसी वीडियो में। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अगर आपको कोई सही एक्सपर्ट मिल जाए तो आप इसको विदिन 30 डेज तैयार कर सकते हो, ठीक है। मैं 30 दिन के अंदर अंदर बच्चों का ये तैयार करवा देता हूँ, और मैं अपनी बात भी बाद में बताऊंगा। चलो पहले मैं जो है ये बात बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरा कमेंट बॉक्स में इसके जवाब भी आप मुझे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी बात गलत लगे, कोई सीनियर है जिसने कई बार एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, उनसे आप बात करना, ठीक है, या आप मुझसे भी कोई सवाल पूछे, मेरी हेल्पलाइन नंबर भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 2018 वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 22 सवाल थे हिस्ट्री और कल्चर से, पॉलिटी के 12 सवाल थे, और 17 सवाल थे आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मैं साथ ही लेकर चलता हूँ, एक ही जैसी साथ है, और हिस्ट्री कल्चर, क्योंकि कल्चर को हम एंशियंट से पढ़ते आते हैं, और पॉलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। तो 22 और 12 34 और 17 51, 51% बचता है। देखो जी हाँ, हमें सिर्फ 4% की जरूरत पड़ी, और वो 4% हम जो है ना, जैसे आप करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से हम 4% लेकर आ सकते हैं। तो वो करंट अफेयर्स आप मुश्किल से मुश्किल 7 डेज, 7 डेज में अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक ले लो या कोई मैगजीन ऐसी आती है, सिर्फ 7 दिन का वक्त आप उस पर लगाओ, ठीक है ना, आपके 4% क्या उससे भी ज्यादा सवाल ठीक हो जाएंगे। उसी उसी से आपने रोजाना जो है ना कि किसी वेबसाइट को या किसी भी उसको करंट अफेयर्स के लिए फॉलो नहीं करना। करंट अफेयर्स हर दिन तो नया हो जाता है, हर दिन इतना नया हो जाता है कि आप वो आगे आगे और आप पीछे पीछे, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स एक चलती हुई बस है। बस तो आप समझते हो नहीं, एक बस है जो कि करीब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और आप उसके पीछे भाग रहे हो, उस करंट अफेयर्स वाली के पीछे पीछे भाग रहे हो। हर दिन नया आ जाता है, आपके फोन पे मैसेज आता है आज का करंट अफेयर्स। तो आप एक चलती हुई बस में बैठना, करंट अफेयर्स पर कंट्रोल करना, एक ऐसा है जैसे चलती हुई बस के पीछे भागकर उसमें बैठना, जो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो आपसे आगे आगे रहेगा, पीछे पीछे रहोगे। तो किसने देखना है कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, आपने एग्जाम क्लियर करना है। लोग आपसे रिजल्ट पूछते हैं, जी रिजल्ट बताओ, कुछ नहीं रखा आपको, कितना जो है करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट्स करंट अफेयर्स के पीछे बात करते हैं, उनका उनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है,
ठीक है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका हर साल, जो है ना करोड़ों रुपए का जो है वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आपका तो इस साल हर साल रुक जाता है। खैर चलो आगे बात करते हैं, मैं अपनी बात को सिद्ध करूंगा। एक अभी आगे देखते हैं, 2017, 14, 22 और 21, आप इसका टोटल करो 36। आप देख लेना पेपर्स में, गिनती कर लेना हिस्ट्री और कल्चर। अगर मैं बिल्कुल, मैंने वहीं से डाटा लिया है, हिस्ट्री और कल्चर के 14, पॉलिटी के 22 थे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 21 थे, तो 33, और ये आपके 43, और उसके बाद है आपका ये 55% के आसपास हो जाता है। देखो मैंने कहा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जी जान लगाकर, क्योंकि इनकी हदें हैं, सीमाएं हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपने इस स्टैटिक जीके टाइप वाला जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री पॉलिटी, अगर आपने पूरी तरह पढ़ा है, तो ऑप्शन से कितना भी खेले आप गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2016 की बात करते हैं। इसमें हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए आपके, तो ये हैं आपके 39%। ठीक है, 39% कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा 15 की हम बात करते हैं, इसमें आपके 14, 13 और 24, 14, 13 और 24, तो इसमें आपके क्वेश्चंस आए 37 और 51 बनते हैं इसके भी, ठीक है ना, 51%। हिस्ट्री और इसके हैं 16, 10 और 26, यानी कि 26 और 26, 52%, 52%। और इसमें आपका बना 24, ये हो गया आपके 34 और 27, 34 और 27 हो गए आपके ये 61। और 2012 की देखें तो ये आपके 40 और 74। तो इस तरीके से अब मैंने देखा कि ये आपका परसेंटेज रहा, सबसे कम रहा ये। आपने कहा कि सर 39% रह गया यहाँ, तो हाँ मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ, कम से कम लेकर आप चलो एटलीस्ट 40% की गारंटी है। पिछले ईयर्स में आपने देखा कि कम से कम 40% गया या 39% गया, तो एटलीस्ट इसकी गारंटी है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। तो अब बचे आपके तीन सेक्शन, करंट अफेयर्स बचा, साइंस बचा और आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन बचा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से 15% तो आप यहाँ से भी खींच कर लेकर आ सकते हो, 15% ऑलमोस्ट तीनों में से आपके आ सकते हैं। अगर आपने एक सिंपल सी कोई मैगजीन पढ़ी है, जो मंथली मैगजीन आती है, मैं किसी मैगजीन का नाम यहाँ पर नहीं लेने जा रहा हूँ, आप लोग जानते हो, कोई भी एक मैगजीन मंथली आप पढ़कर 15% ला सकते हो, और यही तरीका होगा आपका प्रीलिम्स निकालने का। मेरे से ये बात लिखवा लो, आज अपना लो, अगली साल अपना लो, उससे अगली साल अपना लो। जिस दिन भी आप नॉलेज को मैनेज करना सीख जाओगे, नॉलेज को कंट्रोल करना सीख जाओगे, या कंट्रोल नॉलेज वो हो सकती है जो स्टैटिक होती है, जिसमें बदलाव नहीं होता है। करंट अफेयर्स से ज्यादा जल्दी तो कुछ भी ऐसा नहीं जो बदल जाए, हर सेकंड बदलता है, हर सेकंड नई इन्फॉर्मेशन आती है, कब तक पीछे भागोगे, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, और प्रीलिम्स निकालने से रिजल्ट से मतलब होता है, ना कि आपकी नॉलेज को देखता है। तो एक चीज मैं ये बता देता हूँ, इसमें एक हम भी अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि हम आपको ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हो कि सर ये आप ही करा दो, तो हमने एक ऑप्शन भी रखा है यहाँ पर। हम 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो सिर्फ 35 दिन का है, तो अपना बैग पैक करो और आ जाओ आप, ठीक है। और अगर आप नहीं आ सकते हो, तो आप हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम जो है जिस जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस की है, उस पर हमने क्वेश्चन और विद आंसर्स हमने पूरी तैयारी की है, और उसके साथ हमारे अपने उसके साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे, आंसर्स भी रहेंगे, और हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की है उन तीनों सेक्शंस में जो मैंने अभी आपसे बात की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कल्चर इसी के साथ जोड़ते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम एनवायरमेंट इसी में जोड़ते हैं, ठीक है ना। इन तीनों पर हम आपको कंप्लीट वो देंगे इन्फॉर्मेशन। और अगर ये क्लासेस की बात मैं बता दूं, ऑलमोस्ट हम यही तीनों चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, 7-7 डेज की इसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होगी, ठीक है ना। जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमी वगैरह साइंस के सब टॉपिक हम कवर कर देंगे, वो हमें सिर्फ 15% चाहिए, तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास तो सब सब चीजें हैं, तो आप खुद भी पढ़ो, अपने से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और आप हमारे साथ भी जुड़कर कर सकते हो। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको मेरी बात अगर कहीं भी आपको शक होता है मेरी इस स्ट्रेटजी पे, तो आप मुझे कमेंट लिखकर भेजो, ठीक
ठीक है ना। और लेकिन ये जो मैंने आपसे बात बताई है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो आप अपने मन की बात उसी से मनवा सकते हो जो आपके नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो चीजों को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपने अगर ये स्ट्रेटजी बनाकर उस नॉलेज को कंट्रोल कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है, और यही तरीका है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं, आप सबका प्रीलिम्स हो जाए इस बार, भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद।